हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुशांत सिंह केस में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मुकम्मल तफसीलात बताई जाएंगी आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह का केस आत्महत्या जैसा नहीं था। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि कोपर अस्पताल के रूप कुमार शाह ने ये इंकशाफ जारी किया है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि इन्हें कत्ल किया गया था। अब ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। हर कोई ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा है। तरह तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह के केस का मामला काफी देर से चलता हुआ दिखाई दे रहा था और सबका यही कहना था कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की है, लेकिन रूप कुमार शाह ने तमाम लोगों के सामने आकर बता दिया है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें कत्ल किया गया था और उसके बाद इसे खुदकुशी का केस बना दिया गया था। रूप कुमार शाह ने ये बात डरते हुए कही है। उनका यही कहना था कि अब इस बात का खुलासा तो मैंने दुनिया के सामने कर दिया है, मगर अब मेरी जान को खतरा है। मुझे पुलिस की जो सुरक्षा है वो चाहिए है, ताकि मुझे कोई भी किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। बहुत से लोगों की यही कोशिश थी कि बात सामने ना आए, लेकिन मैं अब तमाम लोगों के सामने आकर ये दावा कर रहा हूं कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की थी, इन्हें कत्ल किया गया है। सुशांत सिंह का केस जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर चुका है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, जैसे बताया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं था। अब सुशांत सिंह का केस मजीद आगे बढ़ेगा और तमाम जानकारियाँ हासिल की जाएंगी, जिसकी तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो दोस्तों, आप सबका क्या कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्या वाकई ही आत्महत्या की थी या ये हत्या थी? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।